आज बनाते हैं नारियल बर्फी। छुट्टियों का दिन है, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कुछ मीठा सा स्वीट्स खाने के लिए, जो एकदम से झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में लगभग 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट मिल जाता है बाज़ार में, आसानी से इसे ले लेते हैं। ये देखिए, ये घर की बची हुई मलाई है, दूध मलाई। लगभग 1 बड़ा स्पून इससे ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाते हैं मिश्री। ये देखिए, ये धागे वाली मिश्री है, बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये थोड़ा सा चीनी से कम प्रोसेस्ड होती है। इसे मिक्सर में घुमा लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और एक अच्छा सा मिश्री का चूर्ण तैयार हो जाएगा। इसे मिक्स कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। ये बोल थोड़ा सा छोटा था तो मैंने मिक्सिंग बोल को पलट लिया है 1 बड़े बाउल में। अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। स्पून से 1-2 4 चम्मच दूध ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा अभी ड्राई है तो 2-4 स्पून मिल्क और ऐड कर लीजिए और कुछ इस तरह से मिक्सचर बना लीजिए। अब मैंने एक बटर पेपर लगा के तैयार कर लिया है एक बॉक्स को। इसमें मैं मिक्सचर को पलट देती हूँ और इसे दबा दबा के इस तरह से थोड़ा सा साइड से, और दबा दबा के इसे सेट कर देते हैं। ये देखिए, स्प्रेड कर लीजिए स्पैचुला की हेल्प से। मैंने इस तरह से इसे बर्फ़ी का शेप देने के लिए दबा दिया है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा मैंने सिल्वर फॉयल लगा दिया है, ये ऑप्शनल है। आप इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं और फ्रिज में रख दीजिए। लगभग 30 से 35 मिनट बाद बस आपकी बर्फ़ी तैयार है। आप इसे मनचाहे शेप में काट लीजिए और सर्व कीजिए। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसे काट लिया है। ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी लगती है कि मिनटों में ही ख़त्म हो जाती है, और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो नो फायर कुकिंग, बिना आग इस्तेमाल किए हुए इतनी सुंदर बर्फ़ी बनाइए और बच्चों और बड़ों सबको खिलाइए। आप नो फायर रेसिपीज़ चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें कमेंट करके। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान से कम इंग्रेडिएंट में बन जाने वाली रेसिपी है, और बच्चों के साथ मिलकर बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए कितना अच्छा मेरे बन के तैयार हुआ है ना बर्फ़ी। आप इसे लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस शेप में भी काट रखा था और इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ मैं। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।